हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिहार के डीजीपी ने मांगी रिया चक्रवर्ती से माफी, आखिर क्यों ट्रेंड हुआ औकात शब्द। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत निधन मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था। बीती बुधवार से गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इस दौरान मीडिया ने गुप्तेश्वर पांडे से रिया की बिहार पुलिस के बारे में की गई का जिक्र किया था। दरअसल रिया का कहना था कि बिहार पुलिस की छानबीन के पीछे राजनीतिक एजेंडा है और साथ ही जलेबी एक्ट्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी टिप्पणी की थी। रिया की इसी टिप्पणी पर गुप्तेश्वर ने कमेंट करते हुए कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ कहे। गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कई लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाते हुए ये तक कह दिया कि आखिर उन्हें एक महिला के बारे में ऐसे कैसे कह दिया, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो वही कुछ लोगों ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का खुलकर सपोर्ट भी किया है सोशल मीडिया पर। बीते कुछ घंटों से अवकाश अब ट्रेंड हो रहा है और अब इस पूरे मामले में गुप्तेश्वर पांडे ने रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी है, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने रिया के लिए अपशब्द कहे थे और इसी वजह से अब वो काफी शर्मिंदा है और उन्होंने रिया माफी मांग ली है। इस वीडियो में इतना ही।